भीलवाड़ा से खबर है, आरएलपी का हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। पथरी माफियाओं के खिलाफ आरएलपी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीर हम आपको भीलवाड़ा के कुछ ही देर में दिखाते हैं कि किस तरह से 3 बजे तक रात को राजीनामा करने का प्रयास किया। आई चुके बैठना चाहिए, सबूत मिटाने वाला, तथ्य छुपाने वाला भी अपराधी होता है। पुलिस के कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, पुनरावर्तन सड़क के ऊपर वो होटल चला रहा है, वो कानून के भरोसे चला रहा है वो व्यक्ति रात को हाईवे के ऊपर, और कानून के रखवाले अगर इस तरह बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा। तो इसमें मैं ये भी मांग करूंगा गहलोत जी, आप आईजी के खिलाफ कार्रवाई करें, तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनकी लापरवाही थी। बजरी के इस खेल के अंदर हमारी मांग रहेगी, कितने खड्डे खोदे गए, कितना स्टॉक किया गया, कितना बड़ा घपला फोगट की पर्चियां दे दी चाय जैसी बना के, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाए। बजरी की दरें जो 550-600 रुपए भीलवाड़ा के अंदर, उनको घटा के 100 रुपए बजरी की दर की जाए, और बजरी माफिया और ठेका निरस्त करने की कार्रवाई। यहाँ से भीलवाड़ा का माइनिंग ऑफिस ठेका निरस्त करने की बात राज्य सरकार को लिखे, और ये पूरे मामले की जांच हो कि यहाँ के कौन कौन से नेता बद्री माफिया के साथ मिले हुए, इस बात की जांच भी होनी चाहिए और जनता को जानने का अधिकार है। आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर इस हल्ला बोल कार्यक्रम को सफल बनाया, कार्यक्रम आगे जारी, 2 दिन में राजेंद्र और बैठ के बता देंगे टोंका करके, और धुआंधार तरीके से देखिए भाइयों, लड़ाई हमें लड़नी है, लड़ाई लड़ेंगे जब कुछ मिलेगा, क्योंकि देश को आजाद कराने में व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज और 200 साल राज कर गए। अगर हमारे लोग शहादत नहीं देते, तांत्या टोपे मंगल पांडे भगत सिंह सरी के लोग अगर उस समय फांसी के फंदे को नहीं चूमते अंग्रेजों के खिलाफ, इस आजादी के जो मायने हैं वो हमें जिंदा रखने हैं। असली